समाज पार्टी जिंदाबाद 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद 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 जी आप संघर्ष करो हम आपके साथ हैं जी आप संघर्ष करो हम आपके साथ हैं जी आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं जी आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं कुमारी मालती जी जिंदाबाद 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 हमारी बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद 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 भारत की मजबूरी है सम्मानित साथियों बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी पूर्व सांसद करोड़ों करोड़ों कमजोर मजलूम बेसहारा दिलों की आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। अब मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि उनका जोरदार शब्दों में स्वागत करें जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब मैं गुजारिश करूंगा आगरा सुरक्षित लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती पूजा अमरोही फतेहपुर सीकरी लोकसभा की प्रत्याशी श्री राम निवास शर्मा जी हाथरस सुरक्षित लोकसभा के श्री प्रत्याशी हेम बाबू धनकर जी से कि वो तीनों मिलकर आदरणीय बहन जी के सम्मान में सोने का मुकुट पेश करें। अब मैं जानिश करूंगा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से कि वो आए और इस चुनावी विशाल जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय बहन जी बस बस बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी यहाँ सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ने इस चुनाव में भी सर्व समाज के लोगों को टिकट बंटवारे के मामले में या देने के मामले में हमने उचित भागीदारी दी है। खासकर जो दलित वर्ग के लोग हैं या जो रिजर्व सीटें हैं तो हमने रिजर्व सीटों पर भी
अकेले एक ही कम्युनिटी के लोगों को नहीं, एक ही बिरादरी के लोगों को नहीं, बल्कि सूर कास्ट में जो विभिन्न जातियां आती हैं, तो उनको हमने चुनाव लड़ने का मौका रिजर्व सीटों पर दिया है। आगरा के लोगों को ये मालूम है कि जब इस चुनाव से पहले आपके उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे और यहाँ मेयर का चुनाव हुआ, तो हमारी पार्टी ने अनुसूचित जाति में से एक वाल्मीकि समाज की महिला को मेयर के लिए चुनाव के मैदान में उतारा था। और आपकी ये आगरा रिजर्व सीट है, तो आगरा रिजर्व सीट से तो फिर हमने यहाँ पर तो जाटव समाज की महिला को चुनाव के मैदान में उतारा है। इसके नजदीकी ज्यादा दूर नहीं है हाथरस लोकसभा की सीट है, तो वहाँ हमने धनगर समाज को जो अनुसूचित जाति में आते उनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है। आपके आगरा से लगी हुई फतेहपुर सीकरी की सीट है, तो यहाँ हमने अपर कास्ट समाज में से तो खास तौर से ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो इस प्रकार से हमने टिकट बंटवारे के मामले में सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की उनकी तादाद को ध्यान में रखकर हमने उचित भागीदारी दी। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से और यहाँ अपने क्षेत्र से तो लोकसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को यानी कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी पूंजीवादी संकीर्ण सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी से काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों कमजोर तबकों मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें दिखाने के असंख्य
प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवा हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग एक चौथाई हिस्सा कार्य भी नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने व बनाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में चार बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमारी पार्टी की रही सरकार ने तो किसानों को खेती करने के लिए समय पर इनको सस्ते साधन उपलब्ध कराए और इसके साथ ही तो इनकी फसल का भी हमारी सरकार ने उचित दाम दिया है, जो अब आपको ना तो यूपी की सरकार में ना केंद्र की सरकार में नेशनल लेवल पर किसानों को ये सब राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी हीन सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है, विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पद भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में जो आरक्षण है इसको पूरे तौर से इसको खत्म कर दिया था। ये आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जब इस मामले को हमारी पार्टी ने संसद में उठाया, एससी एसटी का जो पदोन्नति में आरक्षण है इसको प्रभावशाली बनाने के लिए संशोधन बिल लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया, तो उस समय सेंटर में कांग्रेस पार्टी पावर में थी, तो उस दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मिली भगत से समाजवादी पार्टी को आगे करके इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर फाड़ा गया। और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इन दोनों की मिली भगत से इस बिल को पास नहीं होने दिया और इतना ही नहीं, आज जो खास तौर से आरक्षण को लेकर जो किस्म किस्म की बातें कही जा रही हैं, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को लेकर कांग्रेस भी लंबी चौड़ी बातें कर रही है, बीजेपी भी, जबकि ये दोनों पार्टियां
SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ हैं। ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती हैं SC ST OBC के वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिले। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर या काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी BJP व RSS की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर आए दिन मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वीकर सेक्शन के लोग हैं या माइनॉरिटी हैं, अपर कास्ट समाज के लोग हैं, ये सभी लोग हमें काफी दुखी व परेशान नजर आते हैं। हर मामले में व हर स्तर पर हमें काफी दुखी व परेशान नजर आते हैं। इनके गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्ग व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में BJP, आप लोगों को आम चुनाव में कांग्रेस, BJP व इनके सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगे हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उससे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं
और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में चार बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब यहाँ असेंबली का चुनाव हुआ तो असेंबली के चुनाव में भी और अब लोकसभा आम चुनाव में भी पूरे देश के अंदर तो जो सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं जिनको इन्होंने फ्री में थोड़ा राशन आदि दिया है, खाद्य सामग्री आदि दी है, तो उसके एवज में तो ये इन्होंने असेंबली के चुनाव में भी लोगों को गुमराह करने के लिए और अब लोकसभा आम चुनाव में भी तो बीजेपी और आरएसएस के लोग तो अपने कंधे पे थैला टांग कर तो गांव-गांव में घूम रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि देखो श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको फ्री में राशन दिया है तो आपके ऊपर मोदी जी का बहुत कर्ज है, तो आप कर्ज के रूप में तो आप ये जो कर्ज है तो इस चुनाव में आपको अदा करना है, वोट के रूप में बीजेपी को वोट देकर आपको ये कर्ज अपना अदा करना है। लेकिन मैं अपने ऐसे सभी लोगों को गरीब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वर्तमान में केंद्र की जो भाजपा सरकार ने जो गरीब लोगों को थोड़ा जो फ्री में राशन आदि दिया है तो ये कोई बीजेपी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, बल्कि आप लोग जो यूपी गवर्नमेंट को या केंद्र की सरकार को जो भी टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से, टैक्स तो आपका है, टैक्स जनता देती है, तो जो पैसा आप लोग टैक्स के रूप में देते हैं उस पैसे से ये राशन दिया जा रहा है, इसमें बीजेपी का कोई एहसान नहीं है और ना ही श्री नरेंद्र मोदी जी का इनका कोई एहसान या कोई कर्ज नहीं है, आप लोगों का ये पैसा है, आप लोगों ने टैक्स के रूप में इसको दिया, तो इसलिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमने उनका नमक खाया है, ये नमक तो आप ही लोगों का है, आप लोगों ने टैक्स दिया उससे आप लोगों को ये फ्री में राशन आदि दिया गया है, तो इनके बहकावे में आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। ये भी मैं और वैसे भी ये जो गरीब लोग हैं वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में
तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी दंगा फिसाद नहीं होने दिया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर, केंद्र में सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों की हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनके कथने व करने में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश व क्षेत्र के तथा देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने या मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यह पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को, अर्थात आगरा जो सुरक्षित लोकसभा की सीट है, यहाँ से हमने श्रीमती पूजा अमरोही को चुनाव के मैदान में उतारा है। इसी जिले में, आगरा जिले में ही दूसरी सीट है फतेहपुर
सीकरी लोकसभा की सीट, यहाँ से हमने श्री राम निवास शर्मा को, जो बहुत ही सामाजिक हैं और जी जान से अपनी सीट को जीतने में लगे हैं, इनको चुनाव के मैदान में उतारा है। हाथरस सुरक्षित लोकसभा की सीट से हमने श्री हेम बाबू को चुनाव के मैदान में उतारा है। हमारी महिला भी जो आगरे से चुनाव लड़ रही है, आपके जाटव समाज से ताल्लुक रखती है, ये भी जी जान से लगी हुई है, तो इनको भी जिताकर आप लोग इनका हौसला जरूर बढ़ाएं। और अपने जो ब्राह्मण समाज से, धनगर समाज से है, जो भी हमारे उम्मीदवार यहाँ चुनाव के मैदान में है, इनको आप लोग जरूर कामयाब बनाएं। और इनको कामयाब बनाने के लिए आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी। आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोगों को अपनी पार्टी के इन तीनों प्रत्याशियों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है, विजयी बनाना है, इनको पार्लियामेंट में जिताकर जरूर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।